मॉर्निंग बेटा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं हमारी फोर्थ क्लास के गणित का लेसन आधा तिहाई और चौथाई तो बेटा ये इसमें देखते हैं हम कैसे आधा क्या होता है तिहाई क्या होता है और चौथाई क्या होता है तो इसमें इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे तो देखो यहाँ पे माँ ने जोया को चॉकलेट देते हुए कहा कि तुम और माही इसे बांट कर खा लो तो माँ ने जुया को दिया जिया ने ये चॉकलेट ली और फिर कह रही ही यह लो तुम्हारा हिस्सा उसने तोड़ दिया और इसको दे रही है इसका हिस्सा तो वो कह रही यह तो आधी नहीं है मैं तो आधी लूंगी कि उसके पास आधी नहीं है तूने कम दिए बच्चे करते हैं ना तुम भी ऐसे ही करते हो कि इसका हिस्सा बड़ा है इसका छोटा है, है ना तो अब वो कह रही यह है, आधी क्यों नहीं है लो मैं एक हिस्सा दूसरे पर रखकर दिखाती हूँ तो कोई भी चीज ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये हिस्सा आधा आधा इसका बट गया है तो इसके लिए हम देख लेते हैं बेटा देखो मान लिया हमारे कि ये हमारे पास एक कागज है ना तो इसको हम बीच से बिल्कुल मोड़ देते हैं ये इसके आधे आधे हिस्से हो गए ना ऊपर एक दूसरे को पूरा ढक दिया ना इसने इसलिए ये इसके आधे हिस्से हो गए यानी कि कोई भी चीज जब हमारे पास दो हिस्सों में बांटते हैं हम तो उसको आधे हिस्से के ऊपर दूसरा आधा हिस्सा जैसे कि ये आधा हिस्सा यहां तक का हो गया है ना और इस हिस्से को हम दूसरे के, इसके ऊपर रख दिए दूसरा इसके ऊपर रख दिया ना तो दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरा पूरा आ गए कोई भी जगह खाली नहीं बची है तो ये हमारा आधा आधा इसके दो भाग हो गए ना एक दो, दो भाग हो गए इसलिए इसको हम इस हिस्से को इस पूरे हिस्से का आधा हिस्सा कहेंगे ये तो पूरा भाग है और इसका आधा ये हमारे पास है ठीक है तो समझ में आ गया आधा क्या होता है अब ये पूछ रहा है जैसे इनकी चॉकलेट पे झगड़ा हो रहा है ना तो यहां पे ये पूछ रहा है माही को चॉकलेट का कितना भाग मिला कितना मिला था कुछ कम था ना उसका देखो इससे ये करने लग रही है ऊपर नीचे करके देखती है तो उसका कुछ कम मिला है उसको वो कह रही ना मेरे पास कुछ कम है जिया को चॉकलेट का कितना भाग मिला भाई उसका आधे से थोड़ा कम था तो जिया को आधे से थोड़ा सा ज्यादा मिला जितना उसके पास कम है क्या तुम चॉकलेट को बराबर बांटने में इनकी मदद कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हैं कैसे जितना हिस्सा ज्यादा है उसको तोड़ ले अलग से कर दे दोनों को बराबर बराबर करके और फिर जो अलग से हिस्सा बचा है जो ज्यादा था उसके के भी आधे आधे हिस्से कर ले तो हम उसको बराबर भागों में बांट सकते हैं है ना देखो दोनों चॉकलेट के जो भी टुकड़े हैं उनको जो भाग है उनको हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो जो दोनों के बराबर आएगा उसको तो हम मान लिया ये हमारे पास ऐसे हो चॉकलेट ही मान के चलते हैं हम इसको और ये चॉकलेट एक हिस्सा इतना बड़ा है ये मान लेते हैं हम दिख रहा है ना मैं ये ये, ये वाला हिस्सा तो यहां तक का माप के हम इकट्ठा एक साथ तोड़ लेंगे और ये वाला जो आगे बच गया फालतू जो हिस्सा था उसके भी दो भाग करते दोनों को बराबर बराबर दे देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बराबर हिस्से ठीक है आप कैसे पता करेंगे कि चॉकलेट के दो बराबर भाग हो गए ये तो अभी मैं बता ही चुकी हूं एक भाग को दूसरे भाग के ऊपर रखकर देख सकते हैं कि भाई ये बराबर है कि नहीं है क्या आप किसी अन्य तरीके से भी चॉकलेट को बांट सकते हो बिल्कुल बांट सकते हैं भाई कैसे मान ले दो के चार 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 भाग कर दिए हमने एक चॉकलेट के और हर एक बच्चे को दो बच्चे हैं ना ये जिया और माही तो दो हिस्से जिया को दे दिए दो हिस्से माही को दे दिए चार हिस्से थे उसके दो दो में बटके बराबर हो गया हो गया ना हाँ तो ऐसे ही हम इसको और भी तरीकों से बांट सकते हैं और कैसे बांटेंगे मान लिया हम उसके टोटल हम हिस्से कर ले और छह इसे कर लेते एक जने को तीन इसे दे दे दूसरे को तीन इसे दे दे हो गए बराबर दो उससे आधा आधा हिस्सा बट गया उनका ठीक है ना हाँ तो इसमें बराबर कब होंगे ये इसमें बता भी रखिए डेफिनेशन यदि एक वस्तु का आधा भाग दूसरे आधे भाग के ऊपर रखने पर उसे पूरा पूरा ढक ले तो दोनों भाग बराबर होते हैं तो ये उनको ढक लेंगे तो दोनों भाग हमारे बराबर होंगे ठीक है बेटा इनमें से कौन सी आकृति दो समान भागों में बटी हुई है दिए गए स्थान पर सही या गलत का निशान लगाना सही है उस पे ये राइट की टिक लगा देंगे और गलत है उस पर क्रॉस का निशान लगा देंगे तो ये बराबर इसे हैं ये दिख रहे हैं ये तो बिल्कुल बराबर ही है बेटा राइट का लगा दिया ये भी हमें दिखने में बराबर दिख रहे हैं ना एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये बराबर ही आएंगे तो ये भी सही है यहाँ भी ये भी बराबर है लेकिन ये देखो इसके भी ये बराबर है क्या देखो ये हिस्सा छोटा है और ये बड़ा है आधे आधे नहीं है ना बराबर नहीं है ये इसलिए यहाँ पे हमने ये कट का साइन लगा दिया इसी तरह ये भी इसमें ये छोटा है ये बड़ा है यहाँ भी कट का निशान और ये ये कैसा है ये तो बराबर है दोनों के देखो इधर ऐसे ये ये ऐसे और ऐसे ये यहाँ पे है ठीक है ना ये भी बराबर है एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये इसमें भी चार हिस्से हो रहे मान लिया तो आधा ये हो गए दो और दो ये हो गए बराबर और ये इसमें ये बीच में लाइन है तो ये हिस्सा बड़ा दिख रहा है हमें ये छोटा दिख रहा है ना तो यहाँ पे ये गलत है ठीक है आया समझ में अब आगे ये करके दिखाने के लिए कह रहा है क्रियाकलाप एक आयता कर कागज लो ये कागज ले लिया ना इसने और इसको बीच से मोड़ो मोड़ दिया बेटा मैंने करके दिखाया था ना तुम्हें कागज का भी हाँ और इसको खोलकर एक भाग को रंग दो तो ये हमने कागज लिया था ना उस समय भी और इसके दो हिस्से किए थे हमने अब कह रहे है कि एक भाग को रंग दो तो हम इसमें कलर कर देते हैं इस हिस्से को थोड़ा सा मैं रफली कर रही हूं तुम फिर बाद में कर लेना ये ठीक है ये हमने कलर कर दिया अब क्या कह रहे है एक भाग को रंगो रंग दिया हमने पता लगाओ कि रंगा हुआ भाग आधा है ये हमने रंगा है इसमें तो ये पता लगाना है कि आधा है या आधे से कुछ कम या ज्यादा है तो देखो इसको पूरा पूरा ये ढक देगा हम इसको मोड़ के देख लेते हैं देखो हो गया ना पूरा तो ये हमारा ये आधा हिस्सा हमने रंग दिया है इसका और आधा हिस्सा हमने छोड़ रखा है ठीक है बेटा किसी अन्य तरीके से भी अन्य कागज को दो समान भागों में बांटो बेटा और किसी को तुम दूसरा कागज लो और उसको बांट लो कैसे बांट सकते हो अब अब तक तो हमने इसको ऐसे फोल्ड किया था ना अब हम इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं जो लंबा अभी भी आधे आधे इससे हो जाएंगे इसके है ना ऐसे हो गया आधा आधा देखो हो गया ना ये आधा हिस्सा ये इधर हो गया ये वाला और आधा ये हो गया ठीक है बिंदु ग्रिड पर बनिया करती हूँ मैं बिंदुओं को मिलाकर प्रत्येक को दो समान भागों में बांटें ये जो बिंदु ग्रिड पे ये आकृतिया ये बनी हुई है ना इनको दो भागों में बांटना है क्या हम इन्हें एक से अधिक तरीकों से दो समान भागों में बांट सकते हैं चर्चा करो देखो बेटा पहले हम यही आकृति ले लेते हैं एक बिंदु दो बिंदु तीन बिंदु इधर भी एक दो तीन तो यहाँ पे क्या करते हैं इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक हम रेखा खींच देंगे तो कौन सी हो गई ये आधे ऐसे हो गए ना और इसकी बजाय हम इसके यूं भी खींच सकते हैं बेटा इन दोनों को मिलाएंगे तो ये साधारी आधार ये आधा हो जाएगा और इनको मिलाया है तो इधर इधर आधे हो गए ठीक है ना ये अलग अलग तरीकों से हम इनको कर सकते हैं ये मत समझना कि मैडम ने चार कर दिए मैंने तुम्हें बताया है कि ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं इसी तरह इसके देखो इसका आधा कैसे करोगे एक दो तीन चार और ये पांच तो क्या करें एक एक तो ये मिलाए रखे हैं तो बीच में तीन रह गए एक इधर छोड़ दो एक इधर छोड़ दो इस बीच वाले से इधर के बीच वाले को मिला देते हैं भाई हो गए आधा इधर हिस्सा अगर हम ऐसे ना मिलाएं तो इन दोनों बिंदुओं को मिला सकते हैं और फिर भी आधा कर सकते हैं ऐसे ठीक है अब यहां इसका कैसे आधा करोगे बेटा इसका आधा ऐसे नहीं हो सकता इसका यहां से और यहां से मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे तब हमारा आधा होगा अगर समझ में अब इसका तो एक ही तरीके से हम आधा कर सकते हैं और नहीं कर सकते इन सब में दो दो भी हैं इनके तो और भी कर सकते हैं हम तीन ऐसे भी कर सकते हैं तिरछा खींच दे तो भी हो जाएगा आधा इसी तरह से इसमें ऐसे भी खींच सकते हैं ऐसे भी खींच सकते हैं यहां भी यही सेम ही आ करती है देखो यहां पर ये छोटा बना रखा है यहां बड़ा बना रखा यहाँ तो एक दो बिंदुओं पे एक भुजा है यहाँ पे तीन बिंदुओं की एक भुजा है एक दो तीन एक दो तीन और एक दो तीन तो यहां कैसे इसका आधा करेंगे या तो हम इसको ऐसे मिला दें या ऐसे मिला दें या फिर ऐसे और ऐसे कैसे भी मिला लो कई तरीकों से इसको हम आधे आधे इससे इसके कर सकते हैं अब ये हमारे पास क्या है देखो बेटा अष्टभुज है ना और अष्टभुज में क्या करते हैं देखो या तो हम इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक को मिला दे तो आधा हो जाएगा ये या फिर हम क्या करें इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक को मिला दे तो भी आधा हो जाएगा कोई से एक लाइन खींच लो और ठीक है बेटा गोलू और भानु के पास समान माप के आयताकार कागज हैं दोनों ने उन कागजों को दो समान भाग किए इसके पास इन दोनों के पास तो बराबर है भाई गोलू और भानु के पास और दोनों ने उनके समान भाग कर दी है आधे आधे ठीक है मनु के पास भी आयताकार कागज था अब ये दो तो बराबर बराबर के कागज ले रहे थे और एक और बच्चा है मनु उसके पास भी आयताकार कागज है जिसका आकार गोलू के आकार से बड़ा है गोलू का जो हमारे पास कागज है उससे बड़ा है मनु के पास कागज है वो तो मनु ने भी अपने कागज के दो भाग करे दो भाग कर दिए ने भी तो यहां पे देखो ये हिस्से कर रखे हैं ये एक भाग था इसका दो हिस्सा कर दे एक बट्टा दो एक बट्टा दो एक, बटा दो।, एक बटा दो मतलब एक थे उसके दो हिस्से कर दिए ठीक है तो दो हिस्सों में से एक भाग यहाँ भी दो हिस्सों में से एक भाग ऐसे ही बानु ने अपने कर दिए दो हिस्से और मनु ने भी यहाँ पे ये कर रखे हैं तो क्या कह रहा है हाँ बेटा एक बटा दो क्या होता है पूरा जो हमारा कोई भी वस्तु है कोई भी जगह है जो भी कुछ है उसके एक तो पूरी जगह और उसका आधा यानी कि दो बराबर भाग तो दो समान भागों में से एक भाग और बटे में दो समान भाग ये होता है हमारा एक बटा दो और इसको बोलते हैं एक और ये हमारा है बटा और बटे में दो ठीक है एक बटा दो यानी कि एक भाग में दो ठीक है क्या गोलू और भानु के कागजों के आधे भाग भी बराबर हैं बेटा गोलू और भानु के जब पूरे कागजों हैं वो बराबर है तो उनके आधे भाग भी बराबर ही होंगे पूरा भाग जब सबका बराबर है तो उसका आधा करेंगे वो भी बराबर ही होगा है ना क्या मनु और गोलू के कागजों के आधे भाग समान है बेटा मनु और गोलू इनके तो जो पहले के कागज कागज ही समान नहीं है तो उनके आधे हिस्से कैसे समान होंगे देख मान लिया हमारे पास एक है है, इतना बड़ा और एक है छोटा साथ उसका छोटे का आधा तो और भी छोटा हो जाएगा और बड़े का आधा थोड़ा छोटा होगा ठीक है क्या मनु और भानु का के कागजों के आधे भाग समान है मनु और भानु नहीं मनु का तो बड़ा है भानु और गोलू के समान थे बेटा तो ये बराबर नहीं है नहीं क्या समान इकाइयों के आधे भाग भी समान होते हैं समान इकाइयों का मतलब कि कोई भी चीज जैसे बराबर है तो उनका आधा हिस्सा करेंगे वो भी बराबर है मान लें एक हाँ। बच्चे के पास चार चॉकलेट थी उनका आधा दो दूसरे के पास भी चार थी तो उनका आधा भी दो तो बराबर हो गए ना दो दो तो उनके आधे भी बराबर ही होते हैं क्या असमान इकाइयों के आधे भी असमान होते हैं बिल्कुल जो पहले से ही समान नहीं है बराबर नहीं है तो उनके आधे हिस्से है वो भी बराबर नहीं होंगे अब कह रहा है आओ इन्हें भी करें चलो भाई इनको भी कर लेते हैं हम जिस आकृति का छायांकित भाग आ रहा है उसके दूसरे भाग में रंग भरो जिसका मैं पहले से कलर कर रखा है आधे भाग में तो उसका बचा हुआ वा भाग है उसमें भी तुम्हें कलर करना है तो यहाँ पे कह सकते देखो यहाँ पे हो रहा है ना नीला कलर तो इसके बीच बीच में हो रहा है इन दोनों हिस्सों को यदि हम जोड़ेंगे तो इतना ही बनेगा ये इतना ही बनेगा ना तो हम इसके बाकी बचे हुए जो हिस्से हैं उनमें भी कलर कर देते हैं ये यह यहां पे कर दिया हमने भाई अब तुम कहोगे मैडम ने इसमें क्यों नहीं किया क्योंकि इसका जो कलर किया हुआ भाग है वो इसके आधे से कम है आधे में नहीं है खाली पहले से ज्यादा बच रहा है और कलर थोड़े में कर रखा है अब यहाँ पे है इधर रखा है यहाँ पे यहाँ पे तुम्हें भरना है कलर आधी है ना ये पहले ही देख लिया था हमने तो यहाँ पे ये आधी है तो इसमें भी कलर कर देते हैं चलो हम यहाँ पे ये कलर कर देते हैं हाँ ठीक है अब ये इसमें बराबर है नहीं इसका ये तो खाली जो भाग है जो कलर नहीं हो रहा वो तो कितना बड़ा है और जिसमें कलर हो रहा है वो छोटा सा है तो ये इसमें हम रंग नहीं भरेंगे दी गई प्रत्येक आकृति को दो बराबर भागों में बांटो बांट दो भाई कर सकते हो इसको तो देखो इसका आधा कैसे करेंगे ये इसका सेंटर मान के चलते हम जहां से सेंटर है वहां से बिलाते हुए और आगे कर देंगे अभी सही तो लाइन नहीं लगी लेकिन कोई बात नहीं अब यहां इसका भी आधा करना है कर लोगे ना या तो हम ऐसे कर दें इसको ये भी हो गया आधा आधा या फिर ऐसे खींच दे और इसका यहां पे खींचोगे आधा ले में भी ऐसे ही हो जाएगा इसका हिस्सा हम या तो यूं कर लें या यूं कर लेंगे हो जाएगा ठीक है ना अब इधर क्या कह रहे हैं नीचे दी गई आकृतियों के आधे में रंग भरो को से भी एक हिस्से में रंग भरते चले जाओ मान ले हमने इसमें भर लिया है इसके भी इसमें भर दो पूरे में भरना बेटा यहां भी इस हिस्से में भर दिया हमने एक हिस्से में भरना है ठीक है आगे भी यही समझा रहा है कि एक इन दोनों को मिलाएंगे तो ऐसे बराबर बन जाते हैं ये ये पूरा एक भाग बन जाता है ठीक है आ गया समझ में हाँ बेटा अब कह रहे हैं क्या दी गई एक जैसी आकृतियों के रंगे हुए भागों को जोड़ने से पूरी एक इकाई प्राप्त होगी यदि हाँ तो क्यों नहीं तो क्यों यानी कि जो कलर कर रखे हैं उनको दोनों को हम जोड़ें कलर कलर वाले हिस्से को तो पूरा एक बन जाएगा अब इसमें देखो ये पूरा एक सर्कल है यहाँ भी सर्कल इसमें इतना हिस्सा इसने कलर कर रखा है आधा इसका छोड़ रखा है और इसमें ये कितना कर रखा है कलर आधे से ज्यादा कलर कर रखा है बेटा ये आधा तो यही हो गया ये ज्यादा कलर कर रहा है तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये तो एक्स्ट्रा रह जाएगा ना इसलिए ये नहीं होगा एक, एक नहीं बनेगी ज्यादा बन जाएगा इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि रंगीन भाग समान नहीं है इसलिए एक इकाई ये नहीं बनेगी अब देखो ये आधा हिस्सा कलर हो रहा है ये आधा हिस्से इस आधे हिस्से को यहां इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरी एक इकाई बन जाएगी है ना तो यहाँ पे दोनों का आधा भाग समान है इसलिए ये एक इकाई बन जाएगी इसमें इसमें भी बन जाएगा इसमें ये दो हिस्से कलर कर रखे हैं इसमें ये दो कर रखे हैं और तो ये कलर वाले ये दो हिस्से इन दोनों को यहां रखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा तो यहाँ भी दोनों के रंगे हुए भाग समान है अब यहाँ पे देखो ये कलर यहां इतना ज्यादा हो रहा है ये थोड़ा सा हो रहा है तो इसको थोड़े से ऐसे करेंगे तो पूरा हिस्से इसको ढकेगा नहीं डकेगा आधा हिस्सा यहां तो आधा हो रहा है कलर लेकिन यहाँ आधा नहीं हो रहा है इसलिए ये यह कलर यहाँ पे नहीं होगा ये पूरी इकाई एक नहीं बनेगी कुछ बच जाएगा हमारे पास खाली जगह इसलिए हम इसको एक इकाई नहीं बना सकते समझ में आ गया बेटा तो बेटा यहाँ पे हमने आकृतियों का आधा हिस्सा क्या होता है आधा हिस्सा करना सीखा ना और उसको क्या कहते हैं एक बटा दो ये करना हमने सीखा है और आगे के जो हमारे कॉन्सेप्ट इसमें बचा हुआ है जो पार्ट इसका बचा हुआ उसको हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में ठीक है थैंक यू